क्वेश्चन आया था ये बीच में कि ये तार के साथ में ठीक स्ट्रिप्स ही क्यों लगाते हैं। आपने तार को यहाँ से स्टार्ट किया, दूसरे साइड किनारे तक ये लेकर गए, और दूसरे किनारे पर जब आपको तार को मोड़ना है, यहाँ से वापस लेना है, तो फिर आपने एक मेटल स्ट्रिप लगाई बड़ी सी चौड़ी सी, क्यों नहीं यहीं पे एक पतला सा तार जोड़ दिया। ये तो बेचारा खुद पतला सा तार है, तो इसी को तार को यहाँ से एक बार ले लिया होता, दो कील गाड़ कर स्ट्रिप के पैसे 10-20 पैसे तो 50 पैसे 1 रुपया तो बच ही जाता। ये स्ट्रिप्स इतनी मोटी स्ट्रिप्स क्यों लगाई जाती है? ध्यान दीजिए कि स्केल आपका लगा हुआ है अलोंग द लेंथ ओनली, पूरी लेंथ पर लगा हुआ है। अब अगर आप यहाँ तार ले लेते, छोटा सा तार ले लेते इस स्ट्रिप की बजाय, तो अगली रीडिंग अगले वाले के लिए आपका ये तार की लेंथ भी इसमें जुड़ जाती है, समझे? क्योंकि तार कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और वो लेंथ हम रीडिंग में कहीं ले नहीं रहे। तो क्या हुआ कि एक पॉइंट से मोड़ तक तार जो है इसकी यहां से लेकर यहां तक जो तार बना है, इस वायर को कुछ भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इस लेंथ को कैलकुलेशन में नहीं ले रहे। लेकिन वायर का कुछ तो रेजिस्टेंस हो गई, इसलिए वायर न लगाकर एक इतनी चौड़ी इतनी बड़ी मेटल स्ट्रिप लगा दी गई। कितनी बड़ा इसका साइज है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भले ही कम हो, लेकिन इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग ये बहुत 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 कम, ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। मतलब क्या हुआ कि आपकी ये लेंथ आ रही है सर्किट में, ये वाली लेंथ भी सर्किट में आ रही है, और जो बीच में छोटी सी 1.5 सेंटीमीटर की लेंथ एक्स्ट्रा बन रही थी मोड़ लेने में, घुमाव लेने में, इसको आपने जीरो कर डाला। ये एक मेटल स्ट्रिप ठीक इसलिए लगाई गई ताकि इनका रेजिस्टेंस जीरो रहे और ये हमारे कैलकुलेशन को अफेक्ट ना करें। ऐसे ही आपने मीटर ब्रिज में देखा था कि मीटर ब्रिज में जो दो गैप्स बनाए गए हैं, मीटर ब्रिज में दो गैप्स बनाए गए हैं, ये दो गैप्स हैं, ये आप देखिए इन गैप्स के बीच में ये मोटी मोटी स्ट्रिप्स जोड़ी गई हैं। पतला सा एक तार बांध दो उससे भी काम बन जाएगा, नहीं कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर ऑफर करेगा करंट के रास्ते में, जिस रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेशन में ले नहीं सकते। यहां तो आपने अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां नोन रेजिस्टेंस लगा दिया, इन्हें हम कैलकुलेशन में ले रहे हैं, लेकिन करंट इस टर्मिनल से घूमकर यहां तक आ रही है, ये रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में नहीं लिया जा रहा। तो फिर जो रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में हम ले ही नहीं पा रहे, वो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसलिए ये मेटल की मोटी मोटी स्ट्रिप्स यहां लगाई गई ताकि करंट के रास्ते में ये रेजिस्टेंस ऑफर ना करें और हमारी कैलकुलेशंस में बहुत बड़ा डिफरेंस ना आ जाए। ठीक है, लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। Why are thick metal strips used? Why are thick metal strips used to make a connection in meter bridge and potentiometer? Right? Reason लिख देते हैं इसका। So that the resistance offered by connecting strips remain negligibly small
ब्रैकेट में लिखिए या ब्रैकेट के बिना ही लिख लीजिए, ऑलमोस्ट ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो इन कंपैरिजन टू द, इन कंपैरिजन टू द रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस ऑफ मीटर ब्रिज वायर और पोटेंशियोमीटर वायर, और अदर रेजिस्टेंसेस, और अदर रेजिस्टेंसेस, और अदर रेजिस्टेंसेस टेकन इन कैलकुलेशन, टेकन इन कैलकुलेशन, अदर रेजिस्टेंसेस टेकन इन कैलकुलेशन, करेक्ट। एंड हेंस द कैलकुलेशन आर नॉट अफेक्टेड, द कैलकुलेशंस आर नॉट अफेक्टेड, ठीक है।